चलें बेटा, इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन इन सिंगल स्पेयर। सिंगल स्पेयर पे भी हम बात करेंगे, ठीक है, कि सिंगल स्पेयर पे कैसे हो रही है। लेट सपोज मेरे पास एक ये चार्ज स्पेयर रखा हुआ है और न्यूट्रल पोजीशन में, ठीक है। एग्जामिनर सेज दे मेक इट नेगेटिव, मेक इट नेगेटिव, यही डायग्राम। और मैंने क्या किया, नेगेटिव बनाने के लिए इसके पास क्या चीज़ रख दी, पॉजिटिव रॉड। इसके ऑपोजिट चार्जेस अपेयर हो गए, ठीक है। अब आपने क्या किया, इसमें से जो पॉजिटिव चार्जेस थे वो हमें हटाने हैं। वो हटाने के लिए हमने क्या किया, एक बात याद रखना, किसी भी कंडक्टर को डिस्चार्ज करने के लिए हम क्या चीज़ प्रोवाइड करते हैं, अर्थिंग प्रोवाइड करते हैं। वेरी गुड, अर्थिंग देखिएगा कैसे होती है। आपके पास ये स्पेयर थी, इस स्पेयर को आपने क्या कर दिया, ग्राउंड प्रोवाइड कर दिया। ग्राउंड से नेगेटिव चार्जेस होते हैं, अब नेगेटिव चार्जेस इस पर फ्लो इनटू होने लगते हैं, मतलब फ्लो इनटू टुवर्ड्स स्पेयर मूव होने लगते हैं। कितने चार्जेस मूव होंगे, जब तक ये नेगेटिव इस ग्राउंड के नेगेटिव और इस स्पेयर के पॉजिटिव कैंसिल आउट ना हो जाए। अ टाइम केम व्हेन दीज टू चार्जेस आर कैंसिल आउट विद ईच अदर, जब कैंसिल आउट हो जाएंगे। इन शॉर्ट नेगेटिव, यहाँ पे तो नेगेटिव आ रहे हैं ना ग्राउंड से, नेगेटिव नेगेटिव से टकरा के रिपेल होंगे और नेगेटिव पॉजिटिव से क्या हो जाएंगे, कैंसिल आउट हो जाएंगे। जब कैंसिल आउट हो गए और जहाँ जब रिपल्जन स्टार्ट हो जाएगी, तब हम क्या करेंगे, मतलब कि हमें कैसे पता चलेगा, बस थोड़ी सी देर के बाद रिपल्जन स्टार्ट हो जाती है आफ्टर वन मिनट, तब आप क्या करते हो, फिर ग्राउंड को रिमूव कर देते हो स्पेयर से। ग्राउंड को रिमूव करके स्पेयर से आपने देखा कि इसमें सारे नेगेटिव और पॉजिटिव अट्रैक्ट हो रहे हैं या नहीं हो रहे, अट्रैक्शन हो रही है। अब लास्ट ई पार्ट में देखिएगा कि ई में क्या हो रहा है, ई में क्या हो जाएगा, अब आप रॉड को चार्ज रॉड ये वाली जो थी इसको हटा देंगे। आप जैसे ही हटाओगे तो क्या हो जाएगा, पूरे के पूरे स्पेयर पे रैंडमली डिस्ट्रीब्यूशन हो जाएगी नेगेटिव चार्जेस की। इसी तरह किसी चार्ज स्पेयर को आप पॉजिटिव भी बनाते हो और किसी चार्ज स्पेयर को आप नेगेटिव भी बनाते हो, ठीक है मेरे बच्चे। अल्लाह हाफिज़।